In fact, onto one of the top stories we are tracking here on Mirror Now, the Kota student deaths. Now, Kota is known as the hub of aspiring engineers and doctors, but is also unfortunately identified as a city which sees the maximum student suicides. In fact, 23 student lives have already been lost this year, the highest number the city has seen. The Rajasthan government had promised to set up a committee in 2020, which found out the root cause of the spate of student deaths. The committee was formed, but the contents of the report have never been made public. And amid all this, bizarre responses of Rajasthan leaders continue. After Rajasthan Congress ministers blamed over the use of phone and bad company, now a BJP Kota MLA has said that drug problems are leading to suicides. सर ये बच्चों से हमने जो बात करी जो कि कैमरे के सामने आके ये बात नहीं बता रहे वो, लेकिन उनका ये कहना है कि जो स्ट्रेस है बच्चों को वो सिर्फ पढ़ाई को लेके नहीं है, उनका स्ट्रेस यहाँ पे बच्चों को ड्रग्स की आदत लग रही है। ये क्या मामला है सर सामने, इस पे आपके क्या है, आपके नॉलेज में क्या है इन सब? बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, ऐसी बहुत सारी गुमटियां हैं, चाय की दुकान है, मैंने विधानसभा में भी ये बात उठाई और उन चाय की दुकानों पर उन गुमटियों पर ऐसे बहुत सारे ठिकाने जो पुलिस के बीट इंचार्जेस जानते हैं, उनके पास शिकायतें हैं, लेकिन जो पैसा बंधा बंधाया उनके पास पहुंचता है उसकी आड़ में खुले आम ब्राउन शुगर, कांजा, स्मैक, ये बिल्कुल सत्य बात है कि यहां पर चरम सीमा पर है। 18 से 20 साल के बच्चे हैं बस। हाँ, तो उनको एडिक्ट बना लिया जाता है और प्रशासन को कई बार चेताने के बाद बच्चों को इन घटनाओं से बचाया नहीं जा रहा। एक तो क्या है कि रात दिन मोबाइल देखना, इससे लोगों में क्या है, नौजवानों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। पहले क्या है कि आदमी परिवार के बीच में बैठता था, बात करता था, रास्ता बताता था आगे का, थोड़ा आध्यात्मिक भी था। आजकल क्या है, लोग बच्चे भी डिप्रेशन में आ रहे हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा कि एक तो गंदी संगत छोड़ें, गंदे लोगों का साथ सोसाइटी छोड़ें। ये ज्यादातर जो है ना गंदी संगत के साथ बैठेंगे तो फिर इस तरह की भावनाएं पैदा होती है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छी सोसाइटी में रहें, अच्छा सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें। संडे फंडे जब सरकार कहती है उसके बाद में इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, इसको किस हद से देखा जाए कि ग्राउंड लेवल पे जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं उनको एजुकेशन सिटी कितना मान रही है, कितना नहीं मान रही, या डोमिनेंस जो है एजुकेशन सिटी उसका किस लेवल पे जाता है? नहीं देखिए, शिक्षा भी जितने भी यहाँ पर है, शिक्षण संस्थान जो चला रहे हैं, पहले मैं आपको बता दूं जितने भी निर्देश हमारे कोचिंग संस्थानों के पास आते हैं उनका पूर्ण रूप से पालन होता है। ऐसा नहीं कि मेरी कोचिंग पे, ये सभी जगह पालन हो रहा है। जो आप कभी कभी टेस्ट दे रहे हैं, हमने सरकार को ये बोला हुआ है कि भाई जब पूरे महीने में 4 या 5 संडे होते हैं उनमें से एक संडे टेस्ट होगा, तो जो आपको जो बच्चे टेस्ट देते हुए दिखाई देते हैं वो जो 15-20% जिनका टेस्ट उन 5 संडे में से होना था उनका हो रहा है, बाकी सबका ऑफ है। आज ही निर्देशानुसार और दिए गए हैं क्योंकि कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हैं जो शायद पूरे शहर के लिए अच्छी नहीं है, तो कलेक्टर साहब महोदय ने और जो कमेटी बनाई गई है उन दोनों ने जो निर्देश दिए हैं उसका हम पूरा पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे। और बहुत अच्छे सुझाव आज आए हैं, आशा करते हैं कि अगले 2 महीने के लिए टेस्ट को रोका भी गया है कि 2 महीने तक टेस्ट नहीं होंगे, ये भी बच्चों का स्ट्रेस लेवल थोड़ा घटाएगा। मुझे व्यक्तिगत लगता है कि एक चेन रिएक्शन है, इस पर मैं मीडिया से भी अनुरोध करूंगा थोड़ी कम बात करी जाए, जाहिर सी बात है कि आपको आजादी है इसकी अभिव्यक्ति की, ये सच्चाई है, पर एक चेन रिएक्शन टाइप होता है, बच्चों को क्या विकल्प के रूप में दिखने लगता है। जितनी कम बात हम उसको बताएंगे, अगर हम उसे बोलेंगे कि सुसाइड क्यों नहीं करना चाहिए, तो सुसाइड का एक विकल्प हम उसके मन में दे देंगे। मेरे हिसाब से बात कम करनी पड़ेगी, पर हाँ, क्या इसको इसकी रोकथाम के लिए हमें बहुत प्रयास करने चाहिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, सीएम साहब, सरकार, कोटा प्रशासन, यहाँ के शैक्षणिक संस्थान, जितने भी शिक्षाविद हैं, हम सभी लोग पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि कोटा का अस्तित्व, व्यक्तिगत हम जैसे संस्थानों का और हमारा अस्तित्व इन बच्चों की वजह से। प्रेशर तो आप देखिए, जो सारा प्रेशर है वो स्टूडेंट्स पे ही आ रहा है अल्टीमेटली। और जो अगर माँ बाप की बात कर रहे हैं सारे नेतागण, वो कह रहे हैं कि माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, तो जब माँ बाप पे प्रेशर जाएगा, माँ बाप से प्रेशर बच्चों पे आएगा, बच्चा फिर ये कदम उठा सकता है? ये सवाल जो है, इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा है। एक दूसरे पे ब्लेम जो मर रहे हैं, अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ये निकल रहा है कि बच्चा यहाँ पे खत्म हो रहा है। मेन कंसर्न जो है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। कोचिंग जो है पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में होती है, दिल्ली में आप देखेंगे, यूपीएससी की तरह राजेंद्र नगर में होती है,
इंदौर में आप देखेंगे तैयारी होती है, राजस्थान के सीकर में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोटा में ही क्यों सुसाइड हुए जा रहे हैं, इसका कोई जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया है।